एक्सरसाइज 9.1 सम नंबर 5 द पॉइंट पी क्यू आर एस टी यू ए एंड बी ऑन द नंबर लाइन आर सच दैट टी आर इज इक्वल टू आर एस इज इक्वल टू एस यू एंड ए पी इज इक्वल टू पी क्यू इज इक्वल टू क्यू बी नेम द रैशनल नंबर रिप्रेजेंटेड बाय पी क्यू आर एंड एस पी क्यू आर एस जो है वो किस पॉइंट पर है ये आपने बताना है। अब आपको नंबर लाइन दी हुई है क्या -4 to 4 हमने नंबर लाइन बना ली -4 से 4 तक और हमारा यू पॉइंट जो है वो -2 पे है। एस बताना है कहाँ है, आर बताना है कहाँ है, टी पॉइंट -1 पे है, ये हमारी 0 है, ये 1, ये 2, ए जो है वो 2 नंबर पे है, पी और क्यू हमने बताना है, बी जो है वो 3 नंबर पे है। देखो क्या दिया हुआ है, टी आर इज इक्वल टू आर एस इज इक्वल टू एस यू और ए पी इज इक्वल टू पी क्यू इज इक्वल टू क्यू बी, यानी कि ये जो डिस्टेंस है ये इक्वल है, इनके बीच में डिस्टेंस इक्वल है और ये कितने पार्ट में डिवाइड हुआ, देखो 1 पार्ट 2 पार्ट और 3 पार्ट, 3 पार्ट में, यानी कि हमारा डिनोमिनेटर जो है वो 3 होगा। जैसे -2 कब पॉसिबल है, जब हम -6/3 लिखेंगे तब हमारा -2 आएगा। ऐसे ही एस नंबर पे -5/3, आर नंबर पे हमारा क्या आ गया -4/3 और टी नंबर पे क्या है -1 जो हमारा 3/-3 से पॉसिबल है। ये किसके इक्वल है, 1 के इक्वल और ये आपका -2 के इक्वल, 3 × 2 = 6 डिवाइड करने के बाद क्या आ गया, ये हमारा -2। इस तरह हमारा एस नंबर जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, एस इज इक्वल टू -5/3 और आर आपका क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ आर इज इक्वल टू -4/3। उसी तरह से हमने इसको भी 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, 2 और 3 नंबर को, ए पॉइंट पे 2 है और बी पॉइंट पे आपका 3, तो यहाँ आपका क्या आ गया 6/3, फिर 5/3 और 6/3 और हमारा पॉजिटिव नंबर है उधर बढ़ता जाएगा 7/3 और 8/3 और 9/3, 9/3 इक्वल 3 के और ऐसे ही यहाँ 6/3 इक्वल 2 के, 2 के इक्वल है, तो पी पॉइंट आप कहाँ है 7/3, पी जो है वो 7/3 को रिप्रेजेंट करता है और क्यू जो है हमारा वो यहाँ से क्या है 8/3 को रिप्रेजेंट करता है। इस तरह से ये हमारा 5th क्वेश्चन है। अब है 6th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर रिप्रेजेंट द सेम रैशनल नंबर, आपने बताने हैं कि सेम रैशनल नंबर कौन कौन से हैं। जैसे आपको क्या दिया हुआ है, फर्स्ट पार्ट, ये 6th का फर्स्ट पार्ट है आपका, जैसे स्टेटमेंट दी हुई है -7/21 और दूसरी स्टेटमेंट क्या है 3/9 एंड 3/9। अब देखो -7/21 को क्या लिख सकते हो, 7 × 7 = 7, 7 × 3 = 21 एंड 3/9, 3 × 3 = 9, ये आपका क्या आ गया यहाँ से -1/3 और इधर से आपका 1/3 जो नॉट इक्वल है, नॉट इक्वल है। आपने इक्वल जो है वो बताने हैं, कौन से पेयर जो हैं इक्वल हैं, सेम जिनके रैशनल नंबर हैं वो लेने हैं। ये नॉट इक्वल आएगा आपका
तो आपने जो से इक्वल है वो बताने हैं। इस तरह से आपने ये सिक्स्थ के पार्ट सॉल्व करने हैं।